अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कटिंग करवाने। मेरे ये देखिए बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी मैं कज़न के साथ जा रहा हूँ, कज़न भी आ चुके हैं। मैं आपको कटिंग की दुकान में जाके पहुँच उस मीटिंग में जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख बता रहा हूँ, वो उस मीटिंग में सब मैं भी शामिल हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं वही नारा लेकर आएंगे, यहाँ पर मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कहते हैं मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट का आपका डाल रहा हूँ। तो फिर सर कैसे ये दोनों तरफ से दोनों चीजें कैसे हैं? अगर आपको जानना है तो आपके सवाल हम आपको मिलते हैं कटिंग करवाने के बाद। Wow! Beautiful! फिर नहा धो के मैं रेडी हो गया। फिर अभी हमने फायर टीम से सफाई करी है, अभी हमें सेंटर वगैरह जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कटिंग करवा के आ चुके हैं। तो ये देखें कटिंग हमारी, हमने फ्रेश भी हो गए। ये देखें हमारे कपड़े, हम दोनों कल ही हमने चेंज करे, आज ही कटिंग करवा ली। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग, मम्मा ने वॉशिंग मशीन भी लगाई है, हम लोग मम्मा के साथ वो हेल्प करवा रहे हैं कपड़े धुलवाने में। अभी हम मदर से आ रहे हैं, फिर सेंटर भी आएंगे, तब आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेंटर से आ चुके हैं। तो आज रात के खाने में हमारी मम्मा ने बनाए हैं टिक्के, रायता, रशियन सैलेड एंड पराठे। मज़ेदार पराठे, ये हम टेस्ट भी कर लेते हैं इसे। बहुत यम्मी लग रहे हैं। बहुत ज्यादा यम्मी बने, जिसको भी खाना है आज। मेरे को जाना पड़ेगा। तुम आराम, आप भी टेस्ट कर लो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने रात का खाना खा लिया है। तो आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि आज मैंने मम्मा के साथ हेल्प भी करवाई और मेरे ट्यूशन में बहुत ज्यादा काम भी थे और मैंने मम्मा के साथ कपड़े भी धुलवाए थे। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और हम अभी रात का खाना करके सो गए।
मैं भी अभी सोने ही आया था, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।